जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसने अब तक कुल 194 देशों की यात्रा की हुई है, लेकिन इन यात्राओं में उसने एक बार भी हवाई जहाज का उपयोग नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और वो दुनिया का पहला ऐसा शख्स होगा जिसने बिना उड़ान भरे ही पूरे पृथ्वी की यात्रा कर डाली। पर ये कैसे संभव है और क्यों वो इस तरह से कठिन यात्रा कर रहा है? हांगकांग के इस छोटे से अपार्टमेंट में हमारी मुलाकात हुई थॉर से। हाय, मेरा नाम है थॉर और मैं ऐसा पहला शख्स हूँ जिसने सभी देशों की यात्रा की, वो भी बिना उड़ान भरे। इस समय थॉर हांगकांग में है, पर ये शहर उसका घर नहीं है। इनफैक्ट उसके पास पिछले 7 साल 2 महीने और 27 दिन से कोई घर ही नहीं है। 7 साल पहले एक रिसर्च के दौरान उसने ये जाना कि मानव इतिहास में ऐसा कोई नहीं था जिसने एक यात्रा में ही पृथ्वी के सभी देशों के चक्कर लगाए। तो थॉर के दिमाग में एक आइडिया आया, मैं ही ऐसा पहला आदमी क्यों ना बन जाऊं। तो 10 अक्टूबर एग्जैक्टली 10:10 पर सिर्फ एक बैकपैक और एक जोड़ी जूतों के साथ वो अपने होम कंट्री डेनमार्क से रवाना हो गया, एक प्रॉमिस के साथ कि वो तब तक घर नहीं आएगा जब तक वो ये मुकाम हासिल ना कर ले। अगर एक मोमेंट के लिए मैं इसका विच्छेदन करूं तो ये पता चलेगा कि मुझे दुनिया के सभी कंट्री को घूमना है, बिल्कुल सभी 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 देश, हाँ ये भी और साथ में वो भी देश, बिल्कुल मुझे सभी देश घूमना है, वो भी सिर्फ एक यात्रा में बिना उड़ान भरे। तो उसने प्लेन को बोला टाटा बाय बाय और बस से ही ट्रेवल करनी शुरू की। एग्जैक्टली उसने अपने यात्रा के दौरान 336 बसेस, 158 ट्रेन, 25 कंटेनर शिप, 8 ट्रक और इवन एक बार उसने हॉर्स कैरिज से भी ट्रेवल किया। और इन सब से इधर थॉर ने ये सब एक दिन में सिर्फ औसतन $20 खर्च करते हुए किया। मैं हमेशा से सस्ता विकल्प तलाशता हूँ, इसका मतलब है कि $1 खाने के लिए, $1 बस के लिए, $1 सिम कार्ड के लिए, और कभी कभी तो मुझे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो मुझे अपने घर में मुफ्त में रहने के लिए देते हैं। थॉर जो कर रहा है वो सुनने में या ऑन पेपर बहुत ही आसान लगता है, पर सच्चा ये है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे उसे हमेशा वीजा की समस्या, रहने की समस्याओं से जूझना पड़ता है, साथ ही थॉर को कई कई महीने कंटेनर शिप में भी बिताना पड़ता है। एक समय में रात के वक्त कैमरून से कांगो के लिए ट्रेवल कर रहा था, वो रास्ता काफी खराब था और बेहद ही सुनसान, और अचानक ही हम 3 पुलिस कर्मियों द्वारा रोक लिए गए। वो हथियार से लैस थे और साथ में उन्होंने पी भी रखी थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो हमें अब मार डालेंगे। और अगर आपको अब भी लगता है कि इसमें मुश्किल वाली क्या बात है तो जरा सोचिए, 7 साल सड़क पर बिताना, वो भी बिना घर के, बिना अपने परिवार दोस्तों से मिले, कितना मुश्किल होगा। ये सच में बहुत मुश्किल है और कई बार मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पूरी जिंदगी एक पछतावा रहेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। थॉर अब तक 194 देशों की यात्रा कर चुका है और सिर्फ अब 9 ही देश बचे हैं जिसके बाद वो ऑफिशियली सभी देशों की यात्रा पूरी कर लेगा। और जो देश यात्रा करने के लिए बचे हैं उनमें से ज्यादातर आइलैंड है जिसमें मालदीव जैसे देश शामिल हैं। मेरा तो लोगों से यही कहना है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने बहुत सारे टफ सिचुएशन को फेस किया, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, मैं चाहता तो सब कुछ छोड़कर वापस जा सकता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। थॉर के इस क्रेजी यात्रा ने उसको दुनिया का एक अलग एक्सपीरियंस दिया जिसको आज तक शायद किसी ने महसूस नहीं किया होगा। मगर थॉर ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के जोखिम को उठाए, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें, दुनिया देखें और साथ ही बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करें, फिर चाहे आप ये यात्रा प्लेन के अंदर बैठकर करो या फिर कार्गो शिप से।